नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम इलेवन मनी में। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो मैच को कवर करने वाला हूँ, सनराइज़र हैदराबाद और मुंबई के बीच में आज जो मैच खेला जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। प्लेइंग इलेवन इंपॉर्टेंट प्लेयर आज डबल हिटर जो होगा, पहले CSK और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में होगा, इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप लोग जाके वहाँ पर देख सकते हो। ड्रेन बॉबो को हटा दीजिए क्योंकि 2 वीक के लिए अब नहीं खेलेंगे, उनको अपने टीम में नहीं रखना है। याद रखना, ड्योन ब्रावो नहीं खेलने वाले हैं, कोई भी वेबसाइट आप खेल रहे हो तो उनको अपने टीम में मत लीजिए। बाकी मैं यहाँ पर आपको न्यूज़ दिखाने वाला हूँ, बाकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस कौन हो सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे डीपली कवर करने वाले हैं सनराइज़र हैदराबाद के बीच में और मुंबई इंडियंस के बीच में। यहाँ पर अगर आप लोग नए हो तो वीडियो नए विजिट की हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आपको यहाँ प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो कवर कराया जाएगा, बाकी प्रॉफिट तो ज़रूर कराया जाएगा। बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं हमारे ड्रीम इलेवन मनी की तरफ से, तो मैं आपको उसको भी दिखाना चाहूँगा। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको टेलीग्राम पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं जुड़ पाए हो जुड़ जाइए, उसमें करना क्या है आपको, टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हो ड्रीम टू टीम सर्च करना है, ड्रीम इलेवन मनी के नाम से, ड्रीम इलेवन मनी के नाम से आएगा, उस पर जुड़ जाइए, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, गारंटी है लॉस कवर हो जाएगा, प्रॉफिट में हो गए, कोई पैसा आपसे यहाँ नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री गिवअवे भी यहाँ पर कराया जाएगा, कई बार हो चुका है यहाँ पर, फिर से नेक्स्ट गिवअवे बड़ा गिवअवे आने वाला है, ज्वाइनिंग फी उसकी बिल्कुल फ्री रहने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ड्रीम टू टीम सर्च कर लेना है, ड्रीम टू टीम सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर ड्रीम इलेवन मनी के नाम से एक टेलीग्राम आ जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग जुड़ जाइए। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ पर आपको कोई भी न्यूज़ आ जाती है, आप देख सकते हो लास्ट मैच में इन्होंने 2500 रुपये जीते हैं, उसके बाद यहाँ पर ये 2850 रुपया विन किया, बहुत अच्छी टीम। कभी कभी होता है इधर उधर बैलेंस नहीं बन पाता है, बट आप लोगों को 100% मैं अपना देता हूँ यहाँ पर, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज रहता है विन करने का, हर कोई यहाँ पर स्मॉल लीग विन किया, तो यहाँ पर जुड़ जाइए, बेनिफिट होने वाला है पक्का। और बात कर लेता हूँ आप लोगों से जो बेहतरीन प्लेयर हो सकते हैं आज के, जो इम्पोर्टेंट प्लेयर की बात करते हैं अभी फिलहाल। तो दोस्तों, यहाँ पे सनराइज़र हैदराबाद और मुंबई के बीच में हम बात कर लेते हैं, उससे पहले मैं यहाँ पर ड्रीम इलेवन मनी की तरफ से जो धमाका ऑफर चल रहा है IPL में, यहाँ भी पैसे जीत सकते हो, मेरी तरफ से भी पैसे आपको मिल जाएंगे। पेटीएम मिलेगा, 50 रुपया डेली मिलेगा। आज का क्वेश्चन रहेगा, दो प्लेयर कौन रहेंगे जो हाईएस्ट स्कोरर होंगे, आपको आंसर देना होगा ड्रीम इलेवन मनी #, ड्रीम इलेवन मनी रोहित वार्नर, ऐसे कौन दो प्लेयर होंगे जो सबसे ज़्यादा स्कोर या रन बनाएंगे, ये क्वेश्चन आज का आपको करना क्या है, ड्रीम #, ड्रीम इलेवन मनी #, रोहित वार्नर, ऐसे आपको लिखना होगा तो आपका माना जाएगा, अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। तो ये बात हो गई। अब ये बात आपको 2100-2100 जो दिख रहा है, अगर जो पहली बार देख रहा है तो उसके बारे में बात करें कि अगर आपका सबसे ज़्यादा IPL तक आंसर सही रहा तो 2100, उसके बाद रैंक वाइज आपको पैसे मिलते जाएंगे, 10 तक पैसे मिलेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छा अमाउंट है, विनिंग कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, सिर्फ आपको करना है कमेंट कर देना है वीडियो में, हर वीडियो में। अब मैं आप लोगों से यहाँ पे न्यूजेज की बात करूँ, उससे पहले मैं आप लोगों से बात करता हूँ फैंटेसी पावर इलेवन की। अगर आप लोग अभी नहीं खेल रहे हो तो खेलना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, लो कंपटीशन है, 100% ट्रस्टेड है, और पेटीएम बैंक के थ्रू, पेटीएम तो इंस्टेंट मिलता ही है, बाकी बैंक के थ्रू भी आपको 5 मिनट के अंदर पैसे मिल जाएंगे, लो कंपटीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पर जुड़िए, गारंटेड 100% आप विन करोगे, अच्छी वेबसाइट है। पिच कंडीशन की अब बात करें, अब बात आ गई आप लोगों के यहाँ पे न्यूज़ेस की, जो आप लोगों के लिए बेनिफिट होने वाला, थोड़ा सा वीडियो बढ़ी जाएगी बट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पे हैदराबाद में मैच खेला जाएगा, यहाँ पर लास्ट मैच के हिसाब से देखा जाए तो स्कोरिंग मैच हो सकता है। लास्ट मैच में आप देख सकते हो हाईएस्ट स्कोर, जिसमें संजू सैमसन और अजंक्य रहाणे, आप लोगों को पता ही होगा, उसके बाद यहाँ पर स्पिन थोड़ा सा, मैं आपको टीम दिखा दूंगा, एक टीम मैंने बना रखा है। तो ये आपको पिच कंडीशन की बात, लास्ट मैच के हिसाब से जा रहे हैं, बाकी मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा
टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, पिच कंडीशन ये है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर आप लोगों के हेड टू हेड, यहाँ पर 12 मैच खेले गए हैं सनराइज़र हैदराबाद और मुंबई के बीच। सनराइज़र हैदराबाद ने 7 मैच जीते हैं, मुंबई इंडियंस ने 5 मैच विन किया है। अब इसमें जो 6 मैच हुए हैं, 12 में से 6 मैच हुए हैं हैदराबाद में। तो हैदराबाद में जो मैच खेले गए हैं, हैदराबाद में सनराइज़र हैदराबाद ने 4 मैच विन किया, मुंबई भी वहां 2 बार विन किया है। टॉप बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करूं बैटिंग में, तो यहां पर डेविड वार्नर मिलने वाला है, कायरन पोलार्ड ये जो पास्ट है, उसके बाद रोहित शर्मा, कुणाल पांड्या, और ये कुछ अच्छे में हैं, इंपॉर्टेंट में हैं। अगर आप केन विलियमसन खेलते हैं तो आप लोगों के लिए बेटर रहेंगे, थोड़े से क्रेडिट पॉइंट को मेंटेन करने में आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा, बट बेहतरीन प्लेयर में हैं। टीम बनाते वक्त आपको ज़रूर ग्रैंड लीग की टीम बनानेंगे, वहां पर ज़रूर टिप्स देंगे ग्रैंड लीग के। टॉप बॉलिंग की बात करूँ तो भुवनेश्वर कुमार और मलिंगा तो है नहीं आज खेलने में, मिचेल मैगलेन, उसके बाद बुमराह को हम भूल नहीं सकते। लास्ट ईयर जो मैच हुआ था यहां पर हैदराबाद में, मयंक मारगंडे ने 4 विकेट निकाला था, बट यहां पर बहुत लो स्कोर हुआ था, 160 के आसपास स्कोर हुआ था। उसके बाद बुमराह ने 2 विकेट निकाले थे, संदीप शर्मा ने भी 2 विकेट निकाला था, ये जो लास्ट ईयर के टॉप विकेट टेकर हैं। ये हो गए, आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, आप टीम बना सकोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं आप थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्लेइंग 11 और बेस्ट की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे जोनी बारिट्सो आप देख सकते हो अटैकिंग खेल रहे हैं, उसके बाद डेविड वार्नर हैं, विजय शंकर हैं, मनीष पांडे, यूसुफ पठान, दीपक हुडा, राशिद खान, मोहम्मद नबी ने तो आके कमाल ही कर दिया है, 2 मैच में 6 विकेट निकाले। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार है, सिद्धार्थ कौल, संदीप शर्मा। अब बात करें यहाँ पे केन विलियमसन का डाउटफुली है, सदीम नमाज का बहुत कम चांस बनेगा, सकीब का भी चांस कम बनेगा क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद नबी ने इनकी जगह ले लिया है। बाकी मैं आप लोगों से अब बेस्ट की बात करता हूँ, यच का मतलब है हैदराबाद, जो हैदराबाद में मैच खेला गया है सनराइज़र हैदराबाद की तरफ से। जॉनी बेरिट्सो आप देख सकते हो हैदराबाद में 114 रन स्कोर किया था, 45 रन स्कोर किया था, 114। उसके बाद डेविड वार्नर ने भी 69 और 100, कितनी पसंद आ रही इन लोगों को हैदराबाद की पिच। दोनों ओपनर खतरनाक खेल रहे हैं, बेहतरीन खेल रहे हैं। उसके बाद विजय शंकर ने 14 और 9 रन बनाए हैं, ये हैदराबाद की बात है जो हैदराबाद में खेला गया है। उसके बाद मनीष पांडे कुछ खास नहीं कर रहे हैं। अब मैं बात करूँ आप लोगों से ग्रैंड लीग की, तो अगर आप लोग यही आपको 90% मिलेंगे सिलेक्शन में, अगर आप इनको छोड़ देते हो, अगर कहीं ये दोनों जल्दी निकल लेते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छे में विजय शंकर, मनीष पांडे, यूसुफ पठान बेहतरीन प्लेयर में मिल जाएंगे, ग्रैंड लीग में आपको टॉप पे ले जाके छोड़ेंगे। दीपक हुडा, राशिद खान और यहाँ पर नबी, आपको परफॉर्मेंस की बात करूँ तो राशिद खान भी 1-1 विकेट निकाल पा रहे हैं, बाकी मोहम्मद नबी तो, उसके बाद यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार, मैं बेहतर प्लेयर की बात करूँ स्मॉल लीग की, आपको यहाँ पर टीम दिया जाता है, ग्रैंड लीग की टिप्स दिया जाता है, 1-2 हो गए। उसके बाद आपको विजय शंकर 1 डाउन, और यहाँ पर उसके बाद राशिद खान, नबी और भुवनेश्वर कुमार या संदीप शर्मा को भी रख सकते हैं, 6-7 प्लेयर आपको यहाँ से भी बेहतर मिल जाएंगे, तो इन्हीं को अपने टीम में रखिए और कम्बिनेशन बनाइए, बेहतरीन प्लेयर हैं। और दूसरी टीम की बात मैं कर लेता हूँ आप लोगों से, यहाँ पर मुंबई इंडियंस की बात करूं यहाँ पे, तो जो रोहित शर्मा है अपनी टीम के कैप्टन, डिकॉक का ओपनिंग, दोनों ओपनिंग कर रहे हैं, तो अब दोनों की परफॉर्मेंस देख सकते हो, रोहित शर्मा 14 रन, 48 रन, उसके बाद 32 रन, 13 रन, मतलब कि एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। डिकॉक भी एक ऐसे ही परफॉर्मेंस में है, सूर्य कुमार यादव ऑन एन एवरेज ठीक ठाक है, बाकी युवराज सिंह भी वैसे ही हालत है, कायरन पोलार्ड कुछ अच्छा छाप नहीं छोड़ पाए हैं, हाँ फील्डिंग में बहुत बढ़िया कैचेज पकड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हार्दिक पांड्या को बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आज को कुणाल पांड्या भी एक अच्छे हैं, मिचेल मैगलन मेरे हिसाब से खेल सकते हैं, मयंक मारकंडे या यहाँ पर राहुल चहर, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, ज़्यादा चांसेज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मयंक मारकंडे खेलेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर में एक मैच था जिन्होंने 4 विकेट निकाल के पूरा जो कि तस्वीर पलट दिए थे यहाँ पर। उसके बाद जसप्रीत बुमराह और ये जेसन बेंड्रोप तो खेलेंगे ही। अब मैं बात करूँ आपको सेफ का जो खेलने वाले हैं यहाँ पर,
रोहित शर्मा, क्वेंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, युवराज सिंह, कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, ये आपको सेफ हो गए। उसके बाद यहाँ पर बुमराह, जेसन बेंड्रॉफ सेफ हो गए। अब मैं बेहतरीन और बेस्ट प्लेयर की यहाँ पे बात करूँ आप लोगों से, तो रोहित शर्मा, डिकॉक, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, मेरे हिसाब से ठीक ठाक में चाहो तो इनको रख सकते हो, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, बुमराह और जेसन बोनड्रॉफ। तो 6-7 प्लेयर आपको यहाँ से भी बेहतर मिल जाएंगे। ग्रैंड लीग की फिर से मैं बात करूँ, अगर आप फेवर करते हैं मुंबई इंडियंस की तो आपको अच्छे रखने होंगे। ये अच्छे में मैं बात कर लेता हूँ तो आप लोगों को रोहित शर्मा, डिकॉक, युवराज सिंह, कायरन पोलार्ड, उसके बाद कुणाल पांड्या, मयंक मारगंडे, जसप्रीत बुमराह, ये कुछ अच्छे में रहेंगे आपको जीएल में, जिसमें से आपको बेस्ट में कायरन पोलार्ड, रोहित शर्मा, मयंक मारगंडे, ये कुछ अच्छे में रहेंगे। तीनों को अपने टीम में रखे, कम नहीं स्मॉल टीम की मैं बना रखा हूँ, आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे मैंने क्या कम्बिनेशन रखा हूँ, आप उस टीम के साथ जा सकते हो। बाकी कोई भी न्यूज़ या प्लेइंग 11 में कोई चेंजेज मिलता है तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, एंड टाइम पर न्यूज और प्लेइंग 11 अपडेट कर दिया जाता है, वहाँ आप देख सकते हो। बाकी मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ जो बेस्ट फैंटेसी पावर 11 है, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो फैंटेसी पावर 11 के पेज पर मैं आ गया हूँ, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, ज़रूर जुड़ जाइए, खेलना स्टार्ट कर दीजिए, विड्रो आपका नहीं रुकेगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आपका पेन वगैरह या बैंक नहीं वेरिफिकेशन हो रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, या मैं टेलीग्राम पर एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ, आज क्लियर कर देंगे सबका, वेरीफाई हो जाएगा। तो खेलना स्टार्ट कर दीजिए, ऑफ़र चल रहा है आप लोगों के लिए, बेहतरीन ऑफ़र चल रहा है यहाँ पर, अगर आप 700-3600 डालते तो 700 एक्स्ट्रा डिपॉजिट आएगा, ऐसे आपको यहाँ पर 1200 ऐसे कुछ आपको बहुत अच्छा ऑफ़र चल रहा है। तो आइए खेलिए, स्टार्ट कर दीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका टीम मैं दिखा देता हूँ, मैंने आज एक टीम बना रखा, इसमें भी मैं आपको सीधा प्रीव्यू दिखाऊँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कैप्टन वार्नर, डिकॉक, हार्दिक पांड्या को बना रखा मैंने, रोहित शर्मा, युवराज सिंह, सूर्य कुमार यादव, जॉनी बारिशो, उसके बाद मोहम्मद नबी, विजय शंकर, जसप्रीत बुमराह, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार। तो आप इस टीम के साथ जा सकते हो, बट मेरे हिसाब से बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, लो कंपटीशन है, विनिंग आपका हाई रहेगा, और यहाँ पर पेटीएम बैंक के थ्रू मिल जाएगा आपको इंस्टेंट विड्रॉ, जो पावर्ड बाई बोलते हैं, स्पॉन्सर्ड बाई पेटीएम है। तो जुड़ने के लिए कुछ लोगों को थैंक यू, बाकी जुड़ते रहिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ड्रीम 11 टीम की बात करते हैं दोस्तों, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो विकेट कीपर सेक्शन से हमने फिर से जॉनी बेरिट्सो को रखा है, डिकॉक को आप रख सकते हो, हालांकि दोनों बेहतरीन है, दोनों ओपनिंग करेंगे। अब किस्मत किसकी है कि कौन किसको रखता है और कौन चल जाता है, या दोनों बराबर चल जाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं जॉनी बेरिट्सो को साथ जाऊँगा, डिकॉक के साथ आप जा सकते हो। बैटिंग सेक्शन से मैंने 4 रखा यहाँ पर, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, उसके बाद यहाँ पर सूर्य कुमार यादव, और यहाँ पर युवराज सिंह, आप चाहो तो युवराज सिंह हटा के यहाँ पे मनीष पांडे को रख सकते हो, कायरन पोलार्ड को रख सकते हो। ऑप्शन की बात करूँ मेरे हिसाब से केन विलियमसन फिर से वही डाउटफुल है, बट प्रैक्टिस कर रहे हैं, मे भी खेल सकते हैं, बाकी मनीष पांडे तो खेलेंगे, अपनी टीम में रख सकते हो, बट उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बेस्ट में ग्रैंड लीग में मिलेंगे मनीष पांडे, कायरन पोलार्ड, ये लोग ग्रैंड लीग के लिए बेहतर ऑप्शन है, तो इन्हीं को रखिए आप। यूसुफ पठान ऑप्शन में है, बाकी नीचे में दीपक हुडा आएंगे, और उसके बाद यहाँ पर कोई अच्छा ऑप्शन में नहीं आएगा, तो अपने टीम में कम्बिनेशन इन लोगों को रख के ना बनाइए। ऑलराउंडर सेक्शन से 3 रखा मैंने, हार्दिक पांड्या, विजय शंकर, मोहम्मद नबी, शकीब अल हसन का कम चांसेज है खेलना, एक मैच खेले थे, बेन कटिंग या नाथल, यहाँ पर बात करें यहाँ पे तो मिचेल मैगलन, बेन कटिंग, मिचेल मैगलन में से कोई एक खेल सकता है, उसके बाद यहाँ पर कुणाल पांड्या खेलेंगे, और यहाँ पर कोई उतना अच्छा शेप में नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बॉलिंग सेक्शंस में बात कर लेते हैं अभी आप लोगों से, बॉलिंग सेक्शन से राशिद खान को मैंने फिर से मौका दिया है, मे भी थोड़ी सी स्पिन पिच है तो मे भी कुछ अच्छा करें, बट स्मॉल लीग के लिए भी मैं मौका दिया। बुमराह आप रख सकते हो अच्छे में, चाहो तो इनको इनकी जगह इनको रख लो, बेहतर प्लेयर हैं। उसके बाद सिद्धार्थ कौल भी खेल रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार भी हैं, लास्ट मैच में 2-1 विकेट निकाले थे, और यहाँ पर मलिंगा तो नहीं है, इनको अपनी टीम में मत रखिए। मिचेल मैगलन और बेन का टीम में से कोई एक खेलेगा। संदीप शर्मा को मैंने रखा है, उसके बाद यहाँ पर जेसन बेंड्रॉफ को भी मैंने रखा है। अब आप लोगों से ऑप्शन की मैं बात करूं तो बुमराह है, कौल हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं,
उसके बाद यहाँ पर आपको मिचल मैगलन थोड़े से 50-50 बेन कटिंग से, उसके बाद आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। कोई उतने शेप में नहीं है, मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप बल्लेबाजी खेल रहे हो तो मैंक मार्कंडी को रखे ट्राई करना ज़रूर। कम्बिनेशन भले कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाइए, बाकी ट्राई एक टीम में कम्बिनेशन बना के रख लीजिए, क्या पता आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे के दें, ग्रैंड लीग विन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, बाकी मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। लाइक प्लीज़ प्रीव्यू दिखा देता हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन बात करेंगे, यहाँ पे कैप्टन वार्नर को बना रखा, वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या को। अगर आप चाहते हो युवराज सिंह को यहाँ से हटा के बॉलर रख सकते हो, मे भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है, तो आप इस टीम के साथ जा सकते हो। बाकी अपडेट किया जाएगा प्लेइंग 11 आने के बाद। तो फ्रेंड्स ये है, बाकी मैं आपको एक दूसरा वेबसाइट दिखाना चाहूँगा, इसके आप यहाँ से जा सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फैंटेसी 11 करके है, इस पर आप अगर नहीं खेल रहे हो तो जुड़ जाइए, कि अच्छा प्लेटफॉर्म है, विनिंग होगा यहाँ पे आप लोगों का, थोड़ा सा कंपटीशन बहुत ही लो है, तो खेलना स्टार्ट कर दीजिए। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट मैच में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।